पिछड़ों का मिला अखिलेश यादव को साथ। सर्व समाज ने एक सुर में किया बड़ा ऐलान, सपा का साथ देने के लिए तैयार सभी लोग। सर्व समाज के ऐलान से सपा की ताकत बढ़ी, पिछड़ों से जुड़े संगठन ने दिया सपा को समर्थन। चुनाव से पहले पिछड़ों का साथ सपा को देगा संजीवनी। देखिए कौन कौन से नेता आए सपा के साथ, नए संगठन के समर्थन से देखिए क्या होगा फायदा। एक के बाद एक नए संगठन और छोटे दल सपा के पाले में आ रहे हैं, जो कभी बीजेपी का मैजिक हुआ करते थे वही अब सपा की ताकत बन रहे हैं और बीजेपी के लिए ग्रहण का काम कर रहे हैं। हर रोज सपा में जहां विरोधी दलों के कद्दावर नेता शामिल हो रहे हैं, वहीं नए संगठन सपा की ताकत को बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में पिछड़ों से जुड़े एक संगठन ने सपा का समर्थन किया है और सपा के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की पेशकश की। पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद इस संगठन ने समर्थन का ऐलान किया और 2022 में सपा की सरकार बनाने का दावा किया। इसके बारे में सपा की तरफ से कहा गया कि पिछड़े मिलकर सपा के साथ, निषाद समाज का सपा को पूर्ण समर्थन। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए सर्व समाज एकता दल के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह कश्यप ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी को दिया पूर्ण समर्थन। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सर्व समाज एकता दल के नेताओं ने कहा कि प्रदेश की सियासत में बदलाव की बयार बह रही है और ये बयार सपा के पक्ष में संकेत दे रही है। ऐसे में हमारा सपा के साथ मिलना सोने पर सुहागे का काम करेगा और आने वाले वक्त में हम सपा के लिए जमीनी स्तर पर काम कर मजबूती देने का काम करेंगे। सर्व समाज एकता दल के नेताओं ने मौजूदा हालातों को देखकर जहां चिंता जाहिर की, वहीं 2022 में अखिलेश यादव को सीएम बनाने का दावा किया। सर्व समाज एकता दल का समर्थन मिलने के बाद सपा नेताओं ने कहा, हमारी बढ़ती ताकत बीजेपी के लिए परेशानी लगातार बढ़ा रही है और बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे हालातों को अपने पाले में किया जाए। सपा नेताओं ने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि अब अगली सरकार सपा की बनेगी, क्योंकि सपा के साथ आते नए साथी हमारी ताकत और तजुर्बे दोनों में इजाफा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो दावा किया जा रहा है, ये दावा हकीकत बनता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।